हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे पुलिट्जर प्राइज़ विनर का जो लिस्ट है वो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो आज मैं उसी को लेके आपके सामने प्रेजेंट हुई हूं। और आज अभी हमने फिक्शन देखा है, अभी शाम तक मैं ड्रामा और पोइट्री भी आप तक पहुँचा दूँगी। तो आज जो है मैं कोशिश करूँगी कि तीन वीडियो आप तक पहुँचा दूँ। सो यस, तो सबसे पहले देखते हैं कि पुलिट्जर प्राइज़ है क्या। ठीक है, सो ये जो अवार्ड है ये अचीवमेंट में, मतलब दिस इज़ अ अवार्ड फॉर द अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन इन यूएस। सो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में कुछ अचीवमेंट्स के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1917 में इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया। और इसको जो है मतलब जोसेफ पुलिट्जर ने अपने विल में इस चीज़ का जिक्र किया था। तो इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1917 बाई प्रोविजन इन द विल ऑफ जोसेफ पुलिट्जर। सो जोसेफ पुलिट्जर के नाम पे पुलिट्जर प्राइज देना शुरू किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने विल में इस चीज़ को मेंशन किया था। तो अकॉर्डिंग टू हिज विल ये जो प्राइज है या ये जो अवार्ड है ये देना शुरू किया गया। फिर ये जो अवार्ड है ये ईयरली बेसिस पे दिया जाता है और इसको 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि हमको 21 कैटेगरी से नहीं मतलब है, हमें बस लिटरेचर से मतलब है। और लिटरेचर में हम जो है उसमें भी हमको सिर्फ फिक्शन देखना है, ड्रामा देखना है और पोइट्री देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ और डिटेल्स। तो पुलिट्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन क्या है? पुलिट्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन है, ये टर्म फिक्शन जो है वो 1917 से 1948 के बीच में प्रेवलेंट नहीं था। 1917 से 1948 के बीच में नॉवेल कहा जाता था। सो पुलिट्जर प्राइज फॉर नॉवेल कहा जाता था। ठीक है, 48 के बाद ये जो नॉवेल वर्ड है उसको चेंज करके फिक्शन किया गया। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो पुलिट्जर प्राइज फॉर नॉवेल है वो इनॉग्रेट हुआ था। जब पुलिट्जर प्राइज इनॉग्रेट हुआ, तो पुलिट्जर प्राइज कब इनॉग्रेट हुआ? 1917 में। तो जिस ईयर पुलिट्जर प्राइज का इनॉग्रेशन हुआ या इस्टैब्लिश किया गया पुलिट्जर प्राइज, सो उस ईयर में 1917 में फिक्शन के लिए या नॉवेल के लिए कोई अवार्ड नहीं दिया गया, पुलिट्जर प्राइज अवार्ड नहीं दिया गया। सबसे पहला जो अवार्ड मिला नॉवेल की कैटेगरी में वो मिला 1918 में। ठीक है, और 1917 से लेके 2019 के बीच में 11 बार ऐसा हुआ है कि जब इस अवार्ड को नॉवेल सेक्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, सो जैसा कि हम जानते हैं कि ये ईयरली बेसिस पे दिया जाता है, तो 11 टाइम्स नो अवार्ड हैव बीन गिवन फॉर नॉवेल कैटेगरी। अब आगे देखते हैं, तीन ऐसे राइटर हैं या नॉवेलिस्ट हैं जिनको दो बार पुलिट्जर प्राइज मिला है। ठीक है, उनमें से नाम देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है बूथ टारकिंगटन का, जिनको 1919 में भी पुलिट्जर प्राइज मिला और 1922 में भी पुलिट्जर प्राइज मिला। विलियम फॉकनर है, उनको 1955 में भी पुलिट्जर प्राइज मिला और 1963 में भी पुलिट्जर प्राइज मिला। और जॉन अपटिक 1982 में भी इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है और 1991 में भी इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है। सो ऐसे तीन राइटर जिनको दो बार पुलिट्जर प्राइज मिला है उनके काम के लिए या उनके नॉवेल के लिए, वो हैं बूथ टारकिंगटन जिनको 1919 में मिला और 1922 में, विलियम फॉकनर 1955, 1963 और जॉन अपडिक 1982 और 1991। आगे बढ़ते हैं, अर्नेस्ट हमिंगवे वॉज सेलेक्टेड फॉर द 1941 प्राइज बाय द ज्यूरी, बट नो अवार्ड वॉज गिवन दैट ईयर एज ही वॉज अवार्डेड द प्राइज इन 1953 फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी। सो ये स्पेशल कैटेगरी थी जिसमें अर्नेस्ट हमिंगवे को पुलिट्जर प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया था 1941 में,
लेकिन उनको जो पुलिट्जर प्राइज़ मिला वो 1953 में मिला, उनका जो नावल था द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, सो ये जो है कुछ डिटेल्स हैं जिनके पुलिट्जर प्राइज़ के बारे में। अब लिस्ट को देख लेते हैं। 1917 में कोई अवार्ड नहीं मिला है। 1918 में अर्नेस्ट पूल को उनके वर्क हिज फैमिली के लिए फर्स्ट जो है पुलिट्जर प्राइज़ मिला। सो 1918 में अर्नेस्ट पूल वॉज द फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट नॉवलिस्ट टू बी अवार्डेड एज पुलिट्जर प्राइज़। ठीक है, पुलिट्जर प्राइज़ विनर रहे हैं फॉर हिज वर्क फैमिली या हिज फैमिली। 1919 में बूथ टारकिंगटन को मिला पुलिट्जर प्राइज़, जो कि उनका जो वर्क था जिसके लिए उनको पुलिट्जर प्राइज़ मिला था वो था द मैग्निफिसेंट एम्बर्सन। देन 1920 में कोई अवार्ड नहीं मिला है। देन 1921 में एडिथ वॉल्टन को मिला उनके वर्क द एज ऑफ इनोसेंस के लिए। फिर 1922 में अगैन बूथ टारकिंगटन को मिला है एलिस एडम्स के लिए पुलिट्जर प्राइज। देन 1923 विला कैथर वन ऑफ आवर्स, उनके इस वर्क के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला। 1924 मार्गरेट विल्सन, और इनका जो वर्क था जिसके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है वो है द एबल मैकलाफिंग लाफिंस। देन 1925 एडना फर्बर, और इनका जो वर्क था जिसके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला वो है सो बिग। देन 1926 में सिंक्लेयर लेविस, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और इनको जो है पुलिट्जर प्राइज़ मिला है 1926 में एरो स्मिथ के लिए। देन 1927 में लुइस ब्रूमफील्ड को मिला पुलिट्जर प्राइज़ फॉर हिज नॉवेल अर्ली ऑटम। 1928 में पुलिट्जर प्राइज़ मिला है थॉर्टन विल्डर को, और इनका वर्क जो था जिसके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज़ मिला वो था द ब्रिज ऑफ सेंट लुइस ले। 1929 में पुलिट्जर प्राइज मिला जूलिया पैट्रिकन को, और इनका जो वर्क था वो है स्कारलेट सिस्टर मैरी। 1930 में मिला है पुलिट्जर प्राइज ओलिवर ला फर्ज को, और इनका वर्क था लाफिंग बॉय। 1931 में मिला है पुलिट्जर प्राइज मार्गरेट अयर बर्नर्स को, और इनका जो वर्क था ईयर्स ऑफ ग्रेस। 1932 में पुलिट्जर प्राइज मिला पर्ल एस बक को, और इनका जो नॉवेल था वो था द गुड अर्थ। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, जैसा कि हमने पिछले मतलब जब डील किया है नोबेल प्राइज वाला लिस्ट तो उसमें देखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, 1933 में मिला है टी एस स्ट्रिबलिंग को, और इनका जो वर्क था वो था द स्टोर। देन 1934 में पुलिट्जर प्राइज मिला है कैरोलिन मिलर को, और इनका जो वर्क था वो था लैम्प इन हिज बॉसम। देन आगे बढ़ते हैं, 1935 में पुलिट्जर प्राइज मिला जोसेफिन विंस्लो जॉनसन को, और इनका जो वर्क था वो है नाउ इन नवंबर। 1936 में पुलिट्जर प्राइज मिला हेरोल्ड एल डेविस को, और इनका जो नॉवेल था या इनका जो वर्क था वो था हनी इन द हॉर्न। 1937 में मिला है मार्गरेट मिशेल को, और इनका जो वर्क था वो था गॉन विद द विंड। 1938 में जॉन फिलिप्स मार्क्वेंड को मिला है, और इनका वर्क था द लेट जॉर्ज एपली। देन 1939 में मिला है मार्जूरी किनन रॉलिंग्स को, और इनका जो वर्क था द यर्लिंग। 1940 में मिला है जॉन स्टेनबेक को, और इनका जो वर्क था द ग्रैप्स ऑफ रेथ। इनको भी नोबेल प्राइज मिला है क्योंकि हमने इनको देखा है अर्लियर वीडियोस में। 1941 में कोई अवार्ड नहीं मिला। देन 1942 में एलन ग्लासगो को मिला है, और इनका जो वर्क था इन दिस आवर लाइफ। 1943 में मिला है उपटन सिंक्लेयर को, और इनका जो वर्क था वो है ड्रैगन्स टीथ। 1944 में मार्टिन फ्लेविन को, और इनका वर्क है जर्नी इन द डार्क। 1945 जॉन हर्सी, और इनका वर्क है अ बेल फॉर एडनो। 1946 में कोई अवार्ड नहीं मिला। 1947 में रॉबर्ट पेन वॉरेन, और इनका वर्क है ऑल द किंग्स मैन। 1948 में जेम्स ए मिशनर, और इनका जो वर्क है टेल्स ऑफ साउथ पैसिफिक। 1949 में जेम्स गाउल्ड कोजिन्स, और इनका जो वर्क है वो है गार्ड ऑफ ऑनर। 1950 ए बी गुथ्रियन
थियर जूनियर और इनका जो वर्क है द वे वेस्ट। 1951 कॉनराड रिच्टर और इनका वर्क है द टाउन। 1952 में मिला है हर्मन वोक को और इनका वर्क है द केन म्यूटनी। 1953 अर्नेस्ट हमिंगवे और इनका वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी। 1954 में कोई अवार्ड नहीं मिला। 1955 में विलियम फॉकनर का अ फेबल। देन 1956 मैकिनले कैंटर एंडरसॉनविल इनका वर्क है जिसके लिए इनको मिला था। 1957 कोई अवार्ड नहीं दिया गया। 1958 जेम्स एगी और इनका वर्क है अ डेथ इन द फैमिली। 1959 रॉबर्ट ल्यूइस टेलर और इनका जो वर्क है द ट्रैवल ऑफ जेमी मैकपिटर और इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला। 1960 में एलन ड्यूरी एडवाइस एंड कंसेंट के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला। 1961 हार्पर ली और इनको मिला है द टू किल अ मोकिंग बर्ड। देन 1962 में मिला है एडविन ओ कॉनर को और इनका जो वर्क है वो है द एज ऑफ सैडनेस। 1963 विलियम फॉकनर को मिला है और इनका जो वर्क है वो है द रिवाइवर्स। 1964 में कोई अवार्ड नहीं मिला। 1965 में द शर्ले एंड ग्रो और इनको मिला है द कीपर ऑफ द हाउस के लिए। 1966 में कैथरीन एंड पोटर और इनको मिला है द कलेक्टेड स्टोरी ऑफ कैथरीन एंड पोटर्स के लिए। 1967 में बर्नार्ड मेलामॉड और इनको मिला है द फिक्सर के लिए। 1968 विलियम स्टेरॉन और इनको मिला है द कन्फेशन ऑफ नेट टर्नर। 1969 में मिला है एन स्कॉट मोमाडे के को और इनका जो वर्क है वो है हाउसमेड ऑफ डॉन। देन 1970 जीन स्टेफोर्ड को कलेक्टेड स्टोरीज। देन 1971 में कोई अवार्ड नहीं मिला। 1972 में वॉलेस स्टेगनर और इनको मिला है एंजल ऑफ रिपोज। देन 1973 यूडोरा वेल्टी और इनको मिला है द ऑप्टिमिस्टिक्स डॉटर के लिए। 1974 में कोई अवार्ड नहीं मिला है। 1975 में मिला है माइकल शारा को और इनको मिला है द किलर एंजल्स के लिए। 1976 सॉल बिलो को और इनको मिला है हम्बोल्ट्स गिफ्ट, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और फिर 1977 में कोई अवार्ड नहीं मिला, किसी को भी नहीं दिया गया। देन 1978 की बात करें तो जेम्स एलन मैकपर्सन को मिला है एल्बो रूम के लिए। 1979 में जॉन शीवर को मिला है द स्टोरीज ऑफ जॉन शीवर। 1980 में नॉर्मन मेलर को मिला है द एग्जीक्यूशनर्स सॉन्ग के लिए। 1981 जॉन कैनेडी टूल को मिला है द कॉन्फेडरेंसी ऑफ ड्यून्स के लिए। देन 1982 जॉन अपडिक को मिला है रैबिट इज रिच के लिए। 1983 एलिस वॉकर द कलर पर्पल। 1984 विलियम कैंडी आयरन वीड। 1985 एलिसन लॉरी फॉरेन अफेयर। देन 1986 लॉरी मैकमर्टी लोनसम डव के लिए मिला है। 1987 पीटर टेलर अ समन ऑफ मेम्फिस के लिए मिला है। देन 1988 टॉनी मॉरिसन बिलविड के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और इनकी 2019 5th अगस्त को डेथ हो गई, सो प्लीज़ बी वेरी वेरी श्योर, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। देन 1989 एना टेलर को मिला है ब्रीदिंग लेसन के लिए। 1990 में ऑस्कर हिजुलोज को मिला है द मैम्बो किंग्स प्ले सॉन्ग्स ऑफ लव। देन 1991 जॉन अपडिक रैबिट एट रेस्ट। देन 1992 जेन स्माइली अ थाउजेंड आर्क्स। 1993 रॉबर्ट ओ बटलर अ गुड सेंट फ्रॉम स्ट्रेंज माउंटेन। 1994 ई पी प्रोलेक्स The Shipping News. Then 1995 Carol Shields The Stone Diaries. 1996 Richard Ford Independence Day के लिए मिला। 1997 Steve Milhauser Martin Dressler के लिए। Then 1998 Philip Roth American Pastoral के लिए। 1999 Michael Cunningham The Hours के लिए। 2000 में मिला है झुम्पा लहरी को द इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स के लिए, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। 2001 माइकल
चैबन को मिला है द अमेजिंग एडवेंचर ऑफ कैवेलियर एंड क्ले के लिए. देन 2002 रिचर्ड रूसो एम्पायर फॉल्स के लिए. 2003 जेफरी यूजीन्स को मिडिल सेक्स के लिए. देन 2004 एडवर्ड पी जोन्स द नोन वर्ल्ड के लिए. देन 2005 मैरिलिन रॉबिन्सन गिलीड के लिए मिला है उनको. देन 2006 जी ब्रूक्स को मिला है मार्च के लिए. 2007 सी मैकार्थी को मिला है द रोड के लिए. देन 2008 जे डियाज को मिला है द ब्रीफ वंडरस लाइफ ऑफ ऑस्कर वो के लिए. 2009 एलिजाबेथ स्ट्राउट को मिला है ओलिवर किटरिज के लिए. देन 2010 पॉल हार्डिंग को मिला है टिंकर्स के लिए. देन 2011 जेनिफर एगिन को मिला है अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड. 2012 नो अवार्ड. 2013 एडम जॉनसन ऑर्फन मास्टर्स सन के लिए मिला है. देन 2014 डॉन टार्ट गोल्डफिंच को मिला है. डॉन टार्ट को द गोल्डफिंच के लिए मिला है. देन 2015 एंथनी डिवोर ऑल द लाइट वी कैनॉट सी इसके लिए इनको मिला है. देन 2016 वेट टना न्यूग्वेन को सिंपथाइजर के लिए मिला है. 2017 में कॉल्सन व्हाइटहेड को मिला है द अंडरग्राउंड रेल रोड के लिए. 2018 में मिला है एंड्रयू सीन ग्रेस को लेस के लिए, गियरर को लेस के लिए. लेस इनका वर्क था जिसके लिए इनको 2018 में पुलिट्जर प्राइज मिला है. और फाइनली 2019 में इस साल मिला है रिचर्ड पावर्स को द ओवर स्टोरी के लिए. सो ये था जो लिस्ट, ये लिस्ट थी पुलिट्जर प्राइज विनर की फॉर इन फिक्शन कैटेगरी. लिटरेचर में भी जो फिक्शन की कैटेगरी है उसके लिए ये सारे जो हमने बात किया मिला है. और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ. और शाम तक मैं आपको ड्रामा और पोइट्री दोनों की लिस्ट इसी तरीके की जो है अप टू 2019 तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी. सो प्लीज़ देखिए, अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिएगा. और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए. स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.